जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी सुरेश पाल ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जहां उन्होंने वायरल हो रहे हिस्ट शीट को लेकर हलफनामा भी नामांकन में दाखिल किया। बांगरमऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुरेश पाल ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन में सपा MLC सुनील सिंह साजन, जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रत्याशी सुरेश पाल के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और नामांकन पर्चा दाखिल कर वापस आए। सपा प्रत्याशी ने पत्रकारों से कहा कि जीतने के बाद विधानसभा के छोटे अंतराल समय में बांगरमऊ विधानसभा में विकास का जितना काम किया जा सकता है उतना कराएंगे। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सपा प्रत्याशी की हिस्ट्री शीट को लेकर सुरेश पाल ने कहा कि जो हिस्ट्री शीट वायरल हो रही है वो उनकी नहीं है। इस दौरान हुई बातचीत में सुरेश पाल ने बताया कि उनके ऊपर दो मुकदमों का हलफनामा नामांकन में दिया गया है, जो दोनों मुकदमे भूमि संबंधी हैं, जो कानपुर के चकेरी थाने में दर्ज हैं। सपा प्रत्याशी के वायरल हो रही हिस्ट्री शीट को लेकर सुरेश पाल नाम के दूसरे व्यक्ति हैं और उसी की हिस्ट्री शीट वायरल हो रही है, जिसमें उनके पिता का नाम दूसरा है और उसका दूसरा। आपको बता दें कि सुरेश पाल नाम के भूमाफिया की हिस्ट्री शीट में कानपुर थाना क्षेत्र के चकेरी थाने में बलात्कार, धोखाधड़ी और कई मामले दर्ज हैं। वैसे भी सपा अपराधियों की शरण स्थली है, ऐसा विपक्षी भी आरोप लगाते हैं। आज सुरेश जी, आज आपने नामांकन कराया है बांगरमऊ विधानसभा के लिए, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी बांगरमऊ विधानसभा के लिए अगर जीत के आप पाते हैं? बांगरमऊ विधानसभा दो वर्षों से वीरान है और जो विकास के काम हैं जो हो सकते हैं साल छोटे समय में वो किए जाएंगे, जनता के काम किए जाएंगे और बांगरमऊ विधानसभा भारी बहुमत से जीती जाएगी। अभी कल एक सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है जिसमें आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था कि आपका कई मुकदमे, इस बारे में आपकी क्या कहना है? एक हिस्ट्री शीट वायरल हो रही है आपकी, 15 मुकदमे उसमें दिख रहे हैं। मेरे से मात्र दो मुकदमे हैं, दो मुकदमे का एफिडेविट मैंने दिया है। कल जो वायरल हो रहा था वो एक सुरेश पाल नाम का दूसरा व्यक्ति है, उसके पिता का दूसरा नाम है, वो किसी मामले में इन्वॉल्व है और उसको मेरे से जोड़ दिया गया, जबकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये दो मुकदमे कहाँ पे दर्ज हैं और किन किन मामलों में, किन मामलों में हैं ये मुकदमे? एक विवाद भूमि संबंधी विवाद है, बाकी कोई करने के इसमें नहीं, जमीन संबंधी विवाद है।